गुड इवनिंग, आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। जो लोक उपक्रमों की चर्चा हमारी चल रही है उसी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। लोक उपक्रमों से संबंधित जो यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक है वो हम कल के डायग्राम में सब बांध चुके हैं। जो भी एंट्रीज हैं उसमें, जो भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल इन पब्लिक सेक्टर, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ग्रोथ ऑफ पब्लिक, वो सारे टॉपिक्स इस प्रीवियस डायग्राम में आपके साथ हो चुके हैं। आज वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जाननी चाहिए लोक उपक्रमों के उत्तर लिखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आता है पीएससी उसका, तो जो आज की डेट में हैपनिंग्स हैं जो आपके सिलेबस में मैंसनड नहीं, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए ताकि उत्तर अधिक ढंग से आप लिख सकें, प्रभावी ढंग से लिख सकें। तो जैसे हमने बताया था कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का युग रहा वो 91 में एक तरह से समाप्त हो गया और हमने बाजारवादी अर्थव्यवस्था के में कदम रख दिया। ठीक है, अब कोई बच्चा इस चीज़ को पकड़ ले कि समाजवाद का अंत हो गया क्योंकि सर ने अपने वीडियो में कहा था, नहीं, समाजवाद समाप्त नहीं हुआ है, बस अंध समाजवाद की जगह चयनित समाजवाद, अंध कल्याण की जगह चयनित कल्याण, ये अब रणनीति है। ठीक है, पहले समाजवाद आज भी हमारा उद्देश्य है, समतामूलक समाज का सृजन आज भी हमारा उद्देश्य है, लेकिन पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म था और अब मार्केट सपोर्टेड सोशलिज्म है। पहले राज्य प्रायोजित समाजवाद हुआ करता था, अब बाजार समर्थित समाजवाद है, उद्देश्य वही है, समतामूलक समाज का सृजन। तो लोक उपक्रमों के आज के टॉपिक में सबसे पहले ये है कि लास्ट ईयर 24 फरवरी को 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इनॉग्रल स्पीच में ये कहा था कि देयर इज नो बिजनेस दैट गवर्नमेंट बी इन बिजनेस, कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। तो व्यापार करना सरकार का काम नहीं है और न ही सरकार को कमर्शियल एंटरप्राइजेस चलाने चाहिए। जब सरकार का काम बिजनेस करना है ही नहीं तो कमर्शियल एंटरप्राइजेस क्यों रखे सरकार? भाई BSNL MTNL क्या है? कमर्शियल ही तो है। एयर इंडिया क्या था? कमर्शियल ही था। ONGC वगैरह भी कमर्शियल है, बैंक भी कमर्शियल है। जब बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है तो फिर बिजनेस इंटरप्राइजेस या कमर्शियल इंटरप्राइजेस को सरकार क्यों रखे? तो पहला पॉइंट यही आता है कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, GS में पूछा जा सकता है कि इफ देयर इज नो बिजनेस गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस तो वाई, क्यों नहीं सरकार को व्यापार करना चाहिए, क्या तर्क है? इन तर्कों को पहले समझ लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ठीक है, क्यों, वाई, क्यों? पहला, देयर आर मैनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस दैट आर मेकिंग लॉसेस, मैनी ऑफ दीज हैव टू बी सपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर्स मनी विच इज द राइट ऑफ द पुअर। जो पहला तर्क दिया जाता है कि सरकार को क्यों व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, उनमें गरीबों का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि वो घाटे में चल रहे हैं और हर साल हजारों करोड़ बजट सपोर्ट उनको देना पड़ता है, वही पैसा हम कहाँ लगा सकते हैं जो हजारों करोड़ का बजट सपोर्ट हम इन घाटे के लोग, घाटे में चल रहे लोगों को दे रहे हैं, यही पैसा हम कहाँ लगा सकते हैं? ग्रामीण विकास में लगा सकते हैं, कृषि विकास में लगा सकते हैं, ग्रामीण पेयजल और विद्युत आपूर्ति जैसी परियोजनाओं में लगा सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस बिफोर द गवर्नमेंट इन द डिसीजन प्रोसेस, द गवर्नमेंट लैक्स द करेज टू टेक कमर्शियल डिसीजंस, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ चेंज एंड ऑल टाइप ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ द चार्ज एंड कोड्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए थॉट व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट इट गो, I have limited time, who ever come of after me will see the matter। ठीक है, जो सरकारी तंत्र है इसमें व्यापारिक निर्णयों को लेने में बहुत सारी restrictions है, बहुत सारी रोक टोक है और कोई भी सरकार commercial decision नहीं ले पाती है, इसके लिए सरकारें साहस नहीं जुटा पाती है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि कई प्रकार की अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है, व्यापारिक डिसीजन लेती है, तो सरकार पर ये आरोप लगा दिया जाता है उद्योगपतियों के हित में सरकार काम कर रही है। ठीक, कई बार कोर्ट्स में सरकारों को घसीट दिया जाता है। तो इसलिए हर तरह के आरोपों से बचने के लिए, कोर्टों से बचने के लिए, जो कोई भी कुर्सी में आता है सरकार चलाने का काम करता है, सब ये सोचते हैं कि भाई जो चल रहा है इसको चलने दो, और मेरे पास 4-5 महीने हैं, इसमें मुझे क्या सोचना है, जो आगे आएगा वो इस पे सोचेगा। ठीक है, जैसे कि भारत में 87 से ही धीरे धीरे आर्थिक संकट आ रहा था, और यहाँ तक कि नरसिम्हा राव जी से पहले जो चंद्रशेखर जी की सरकार थी, वो 40 टन सोना गिरवी रख चुकी थी। चाहती चंद्रशेखर सरकार ही चाहती तो वो आर्थिक सुधार ला सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको टालना बेहतर समझा और चुपचाप 40 टन सोना गिरवी रख दिया आर्थिक सुधार। क्योंकि आर्थिक निर्णय या कठोर निर्णय जो होते हैं वो आलोचना का कारण बन जाते हैं, और कई कई बार तो सरकारों के परिवर्तन के, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक सुधार भारत में किए थे। तो कोई भी आर्थिक सुधार या कमर्शियल डिसीजन नहीं लेना चाहता, क्योंकि इससे कई आरोपों का सामना करना पड़ता है, कई कई बार कोर्टों में भी सरकार की क्या होती, खिंचाई होती है। बिजनेस कैन नॉट हैपन विथ सच थिंकिंग, कि ठीक है मेरे बाद जो आएगा वो देख लेगा, इस तरह से व्यापार नहीं चल सकता। व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट्स डूइंग बिजनेस स्कोप ऑफ इट्स रिसोर्स इज रिड्यूस, सरकार के पास जो पैसा होता है, जब सरकार वाणिज्यिक गतिविधियों में उस पैसे को लगाती है, तो सरकार के पास वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, प्रशासन के मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है, पैसा ही नहीं बचता। देन सिविल सर्वेंट हैव देयर ट्रेनिंग मेनली टू रन द गवर्नमेंट सिस्टम, फॉलो द पॉलिसी मेकिंग रूल्स, टू एम्फेसाइज द वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, बट वेन द गवर्नमेंट स्टार्ट डूइंग बिजनेस दीज ऑफिसर्स हैव टू बी रिमूव फ्रॉम दीज टास्क एंड टू टेक सच प्रोमिसिंग ऑफिसर टू द PSUs, एज ए रिजल्ट देर इज अ लॉस ऑफ दैट ऑफिसर एंड लॉस ऑफ दैट इंटरप्राइज, सो इट हर्ट द कंट्री इन मैनी वेज। तो क्या चर्चा से आपको मिला, मेन पॉइंट्स मैं फिर बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में, कि भाई सरकार को व्यापार क्यों नहीं करना चाहिए। पहला कारण तो यही है कि सरकार में एक करेज नहीं होता कमर्शियल डिसीजन लेने का, कमर्शियल डिसीजन लेने का। ठीक है कि भाई कमर्शियल डिसीजन तो ये है कि भाई जब मांग बढ़ गई है और आपूर्ति कम है तो कीमत बढ़ा दी जाती है, लेकिन सरकारी तंत्र में कीमत बढ़ाने को लेकर के बड़ा आनाकानी होती है, इससे सरकार की इमेज खराब हो जाएगी, चुनाव हार जाएंगे। लेकिन बिजनेस इंटरप्राइजेस ऐसा नहीं सोचते, उन्हें तो जो करना है वो करते हैं कि भाई जब मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो कीमत बढ़ाते हैं, लेकिन सरकार नहीं। दूसरा कि अगर सरकार अपने सीमित संसाधनों को व्यापार में लगा देती है, तो जो प्रशासन का आधुनिकीकरण है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके लिए भी पैसा ही नहीं बचता। जो हम मानव संसाधन विकास में खर्च कर सकते हैं वो पैसा हम कहाँ खर्च कर देते हैं, व्यापारिक गतिविधियों में, जबकि व्यापार कौन भी कर सकता है, निजी क्षेत्र भी कर सकता है। देन कि सरकार के पास जो ऑफिसर होते हैं, हमारे जो IAS होते हैं, जो प्रोबेशन में पीरियड में ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, एक IAS जो सेलेक्ट होता है उसके लिए कि वो 6 साल की ट्रेनिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, और उन अर्ली 6 ईयर्स में उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी मेकिंग सेक्रेटरीट में होती है ट्रेनिंग, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में होती है। जो ऑफिसरों की ट्रेनिंग है वो कहीं से भी बिजनेस मैनेजमेंट की नहीं है, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होती है प्रशासकों के ट्रेनिंग। लेकिन उन्हीं प्रशासकों को उठा करके फिर हम कहाँ लगा देते हैं, ONGC में, गेल में, भेल में, जबकि वो क्या है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस है, उनका मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो अधिकारी उस नए वातावरण में क्या क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं पाता अपने आप को। ठीक है, अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसको ट्रेंड इन कैपेसिटी, वेबलान और मर्टन ने इसे ट्रेंड इन कैपेसिटी कहा है, ट्रेंड इन कैपेसिटी इसको आप कहेंगे। इसको बेवर्स की नौकरशाही की आलोचना के रूप में भी पढ़ा जाता है, और वेबलान और मर्टन की ये कंसेप्ट है ट्रेंड इन कैपेसिटी, प्रशिक्षित होते भी असक्षम होना। प्रशिक्षित होते प्रशिक्षण तो है, लेकिन वो प्रशिक्षण उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेजरी मैनेजमेंट में है, इलेक्शन मैनेजमेंट में है, लेकिन उनको कमर्शियल एंटरप्राइजेस का ट्रेनिंग के दौरान
और थोड़ा बहुत अगर एक दो विजिट हो भी गई किसी भी स्कूल के बिजनेस स्कूल के बाद, बट अल्टीमेट जो इंटेंसिव ट्रेनिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशन की होती है। जब यही अधिकारी रूल्स एंड रेगुलेशन के ट्रेनिंग वाले अधिकारी जब कमर्शियल इंटरप्राइजेज में जाते हैं जैसे ONGC, गेल भेल वगैरह में, तो वो अपना वो रूल रेगुलेशन वाला माइंड सेट छोड़ नहीं पाते। इससे कमर्शियल इंटरप्राइजेज को लॉस होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उठानी पड़ती है, एक्सेसिव रूल और रेगुलेशन में काम करने के कारण उनका जो साइकोलॉजिकल एक माइंड सेट बन जाता है कि हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, हर काम थ्रू मतलब प्रोसेस पूरा प्रोसेस से होना चाहिए। उससे कई बार क्या हो जाता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेस को या कमर्शियल इंटरप्राइजेस के हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं और इसी को प्रशासकीय अक्षमता भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कैपेसिटी प्रशिक्षित अक्षमता भी कहते हैं, जिसको बेबिलॉन मर्टन ने विश्लेषित किया। तो इस कारण से वो प्रशासक जो नीति क्रियान्वयन में नीति निर्माण में बेहतर भूमिका निभा सकता है उसको वहाँ से जो बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑफिसर होता है, बहुत ही ख्याति प्राप्त प्रशासक होता है, उसी को ला करके हम इन वाणिज्यिक उपक्रमों में लाते हैं, ठीक है। इससे उस प्रशासक की योग्यता और प्रशिक्षण का भी हम यूज नहीं कर पाते ढंग से और न ही कमर्शियल इंटरप्राइजेस को लाभ हो पाता है। तो ये सारे कारण गिनाए गए हैं कि सरकार को बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो बिजनेस दैट गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, ठीक। एंड देन कि एक नया टॉपिक कि डिसइन्वेस्टमेंट, लोक उपक्रमों का विनिवेशीकरण, लोक उपक्रमों का विनिवेशीकरण क्या है। 100% विनिवेशीकरण ही निजीकरण है। यदि सरकार किसी एसेट को बेच देती है पैसे लेकर तो वो निजीकरण है, ठीक है। पहले नेशनलाइजेशन हुआ और अब हो रहा है डीनेशनलाइजेशन। जब स्वामित्व तो निजी क्षेत्र से सरकार के पास आता है, जैसे 70s में आया था बैंकों का या अदर सेक्टर्स का, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जो बना था, ठीक है। तो जब स्वामित्व तो निजी क्षेत्र से सरकार के पास आता है तो वो राष्ट्रीयकरण कहलाता है, लेकिन अब स्वामित्व तो सरकार से निजी क्षेत्र की ओर जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डीनेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, चेंज ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बट इट इज पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। ये आंशिक निजीकरण होता है क्योंकि इसमें कुछ शेयर सरकार के पास रहते हैं, ठीक। तो डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार कुछ अंशों तक अपने शेयर बेचती है, अपनी शेयर धारिता बेचती है उस पर्टिकुलर लोक उपक्रम में 20%, 30%, ठीक। तो अभी तक जो डिसइन्वेस्टमेंट के 5 चरण हैं वो क्या हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। इन 5 चरणों में जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जिसका नाम है वो है स्ट्रेटेजिक सेल, उसके बारे में भी आप जानिए, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन में क्या अंतर है, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है। जब प्राइवेटाइजेशन 50% से ज़्यादा शेयर जब सरकार किसी निजी कंपनी निजी क्षेत्र के भागीदार को देती है तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट वो स्ट्रेटेजिक सेल की श्रेणी में लाते हैं। तो अभी ये पहले समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द PSUs। पहला ऑब्जेक्टिव है द डिसइन्वेस्टमेंट पहले सॉरी मीनिंग समझिए अर्थ समझिए कि डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मीन्स द मार्केट एक्टिविटी इन विच गवर्नमेंट सेल्स और लिक्विडेट द गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया है विनिवेशीकरण, एक ऐसी रणनीति है विनिवेशीकरण जिसके द्वारा सरकार बाजारिक गतिविधियों के द्वारा अपनी सरकारी संपत्तियों को बेचती है या लिक्विडेट करती है, ठीक है, मतलब बेचना ही एक तरह से वो भी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, ठीक है, क्यों सरकार विनिवेशीकरण कर रही है। पहला कारण रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल वर्डन, इससे सरकार का फाइनेंशियल वर्डन कम होगा, वित्तीय बोझ कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इन लोक उपक्रमों को सरकार को हर साल बजट या सहायता 1000 करोड़ की देनी पड़ती है, इससे सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, ठीक है। चूंकि घाटे में चल रहे हैं लेकिन इनके पास कर्मचारियों की फौज है, सरकार को कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ती है और उससे सरकार पे वित्तीय बोझ बढ़ता है। इम्प्रूविंग पब्लिक फाइनेंस, जब कई बार क्या है कि सरकार को ऋण लेकर के भी इन लोक उपक्रमों को क्या करना पड़ रहा है, फाइनेंस करना पड़ रहा है, तो इससे पब्लिक फाइनेंस की हेल्थ बिगड़ जा रही है। इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन, सरकार डिसइन्वेस्ट करके डिसइन्वेस्टमेंट करके क्या कर रही है कि कंपटीशन को बढ़ावा दे रही है,
क्योंकि निजी प्लेयर आ रहे हैं एक ही डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे अभी ये आपका एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे भागीदार थे, जिसमें टाटा की बिट को ज़्यादा सक्सेस मिली, बिट सक्सेसफुल रही। ठीक है, डिपॉलिटिसाइजिंग द इसेंशियल सर्विसेज, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं इनको हम विराजनीतिकरण करना चाहते हैं। एयर इंडिया में घाटे में, एयर इंडिया का घाटे में जाने का एक बहुत बड़ा कारण था कि उड्डयन मंत्रालय जो लोग संभाल रहे थे, उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की सांठगांठ के कारण एयर इंडिया को ढीला कर करके निजी वायु सेवाओं को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसी तरह अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बालको का डिसइन्वेस्टमेंट किया था, ऐसे बालको हमने स्टारलाइट को दिया था और स्टारलाइट ने 500 करोड़ में लगभग ये स्ट्रेटेजिक सेल से गया था बालको भारत एलुमिनियम कंपनी जो कि बस्तर में थी। तो बालको को स्टारलाइट में जैसे ही गई था, स्टारलाइट ने पूरे प्लांट का मॉडर्नाइजेशन किया था और बालको और एलुमिनियम उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर चला आया। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन करेंगे, रेस्टलाइजिंग एंड रिटेनिंग वर्क फोर्स, जो लोक उपक्रम है उनका डिसइन्वेस्टमेंट करके हम क्या करते हैं, जो अच्छे वर्कर उनको रिटेन कर लेते हैं, जो बाकी हैं उनको या तो VRS दे के वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के द्वारा या गोल्डन हैंडशेक वगैरह के द्वारा क्या करते हैं, उनसे छुट्टी लेते हैं। अब विनिवेशीकरण के जो 5 चरण हुए उनको समझिए। पहला चरण है 1991-92 से 1998-99, इसको कहते हैं ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन। जो पहला फेज है वो है ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। दूसरा फेज 99-2000 से और आपका 2003-2004 तक का है। ठीक है, पहला था ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, कार्मिक निजीकरण। दूसरा फेज था 1999-2000 से 2003-04 तक, वाजपेयी सरकार का काल है। ठीक, ये एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्रेसिव यानी कि पूरी पूरा पूर्ण विनिवेशीकरण। ठीक है, पूर्ण एग्रेसिव का मतलब होता है कि धड़ाधड़ करके डिसइन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, पूरी तीव्रता से डिसइन्वेस्टमेंट। फेज थ्री आया, इसको 2004-05 से 2008-09 तक माना जा सकता है और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्रित्व का काल था। यूज ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें जो कांग्रेस सरकार थी उसने लोक उपक्रमों को कैपिटल मार्केट से रिसोर्स जनरेट करने या रिसोर्स बेस बढ़ाने का की छूट दी थी। फेज फोर तो 2009-10 से 2013-14 तक था। ठीक है, ऑफर ऑफ फॉर सेल, इसमें सरकार ने कुछ इक्विटी सेल के लिए रखी थी तो ये भी 2013-14 तक चला। फिर ये 5वां चरण है, ये मोदी जी का 2014 से चला था और अभी तक चल रहा है। इसमें स्ट्रेटेजिक सेल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहला चरण ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन, दूसरा चरण एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट, तीसरा चरण यूज ऑफ कैपिटल मार्केट, चौथा चरण ऑफर फॉर सेल और 5वां चरण स्ट्रेटेजिक सेल। ये 5 चरण हुए हैं, शॉर्ट में इनको आप लिख सकते हैं। अब ये जानिए कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक सेल, सामरिक बिक्री क्या है। अगर ये हमारे नोट्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इम्प्लाई द सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ ए CPSU ऑफ अप टू 50% और अबव अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेल में सरकार किसी एक ही भागीदार को क्या करती है, 51% के आसपास शेयर ट्रांसफर कर देती। कोई एक ही भागीदार भी हो सकता है या एक या दो, एक से अधिक भागीदार भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य होता है कि अपनी शेयरधारिता 50% से कम रखना है। ठीक है, 50% से कम रखना है और 51% या उससे अधिक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करे वो शेयर किसको चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को चले जाएंगे। साथ ही कंपनी का ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल भी क्या होगा, मतलब ओनरशिप तो शेयर्ड रहेगी, जितना परसेंट शेयर सरकार के पास उतने परसेंट शेयर ओनरशिप सरकार के, बट जो डे टू डे मैनेजमेंट कंट्रोल है वो पूरी तरह से किसके हाथ चला जाएगा, स्ट्रेटेजिक बायर के हाथ चला जाएगा, जो सामरिक खरीदार है। जैसे मैंने अभी भी बालको का कहा तो बालको में स्टारलाइट एक स्ट्रेटेजिक बायर था और वो बालको स्टारलाइट को गया था और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल भी किसके पास चला गया था, बालको के पास। ठीक है, तो ये था डिसइन्वेस्टमेंट, ये था स्ट्रेटेजिक सेल। अब एक छोटा सा टॉपिक है न्यू पॉलिसी। ठीक है, जो बजट 2021 है इसमें सरकार ने, अब तो 22 का आने वाला है लेकिन पिछले बजट में सरकार ने ये कहा था कि हम ओवर 300 PSUs मिसिंग टू बेयरली 2 dozen, कि 300 से ज़्यादा PSUs को हम मतलब कम करके केवल 2 दर्जन कर देंगे। ठीक है,
और फोकस ऑन द प्राइवेटाइजेशन इन नॉन कोर सेक्टर वाइल शटिंग डाउन लॉस मेकिंग स्टेट रन एंटरप्राइजेस. जो नॉन कोर सेक्टर था इसमें सरकार के कार्यों को दो मतलब पीएसयू को दो सेक्टर में बांटा गया था, कोर सेक्टर या स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन कोर सेक्टर. तो नॉन कोर सेक्टर के लिए सरकार ने स्पष्ट करा है कि जो भी घाटे में चल रहे उपक्रम हैं उनको हम बंद करेंगे या फिर हम क्या करेंगे उनको बेचेंगे. अभी इसके लिए नीति आयोग को सरकार ने काम दिया है. नीति आयोग हैज बीन टास्क विद द आइडेंटिफाइंग द नेक्स्ट सेट ऑफ द कंपनीज टू बी ऑफर्ड फॉर द स्ट्रेटेजिक सेल. नीति आयोग अब अभी अनुशंसाएं करेगा इस मार्च से पहले, मार्च 22 से पहले, कि किन किन को हमें क्या करना है स्ट्रेटेजिक सेल के लिए बेचना है, के द्वारा बेचना है. देयर विल बी ओनली फोर की स्ट्रेटेजिक सेक्टर. से ध्यान रखिएगा कि इस बजट में फोर की स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को पहचानने की बात की गई है. ठीक है, फोर की स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे, केवल चार ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स रहेंगे. ठीक है, इसमें एटॉमिक पावर हो गया, डिफेंस हो गया और स्पेस हो गया. मेनली डिफेंस, स्टेट, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन, ये की सेक्टर्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे जहां सरकार रहेगी. लेकिन इन की स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी एंड इन दीज की सेगमेंट्स देयर विल बी अ मैक्सिमम ऑफ थ्री और फोर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. केवल तीन या चार, ठीक है, हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तीन या चार पीएसयूज होंगे. इन ऑल अदर एरियाज वेयर देयर आर पीएसयूज गवर्नमेंट विल मूव आउट. सरकार अन्य क्षेत्रों से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी. अब कि क्या नया मंत्र है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 फरवरी 2021 को ये नया मंत्र दिया है, मोनेटाइज एंड मॉडर्नाइज. ठीक है, मोनेटाइज करना है और उसी से उस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है. तो क्या है इसमें, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम लाई गई है. गवर्नमेंट हैव टारगेटेड टू मोनेटाइज अराउंड 100 एसेट्स लाइक ऑयल, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर. इन सब में ही लोक उपक्रम है. ऑफ दीज यू कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ 2.5 ट्रिलियन रुपीज आर एक्सपेक्टेड. कि जो 100 से अधिक एसेट सरकार ने मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है, इससे 2.5 ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन रुपी का इन्वेस्टमेंट होगा. और विच द गवर्नमेंट मोनेटा वैन द गवर्नमेंट मोनेटाइज द प्राइवेट सेक्टर सेक्टर ऑफ द कंट्री फिल द स्पेस एंड ब्रिंग इन्वेस्टमेंट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट टॉप क्वालिटी मैन पावर एंड मैनेजमेंट. ठीक है, क्यों मोनेटाइज करना चाहती है सरकार, इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर आएगा और इस स्थान को भरने के लिए, जहां जहां से सरकार हट रही वहां वहां से वहां का वो स्थान भरने के लिए निजी क्षेत्र आएगा. ठीक है, और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट लाएगा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस लाएगा, टॉप क्वालिटी मैन पावर लाएगा, बेहतर मानव संसाधन, बेहतर प्रबंधन और पूरे क्षेत्र का, पूरे सेक्टर का क्या करेगा, आधुनिकीकरण करेगा. और जो मनी आएगी, द मनी कम्स फ्रॉम एसेट मोनेटाइजेशन, मेक द हाउस ऑफ द पुअर, यूज टू ओपन स्कूल एंड टू बिल्ड द रोड्स. ठीक है, जो मोनेटाइज से जो पैसा आएगा उसी पैसे का उपयोग सरकार फिर किस चीज़ के लिए करेगी, स्कूल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, गाँव में पेयजल देने के लिए. तो मोनेटाइजेशन स्कीम का लगभग सरकार का टारगेट है कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस का हमें हमारे पास एक रिजर्व होगा, एक मतलब कैश होगा या इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इतना हमारे पास संसाधन होंगे जिनका हम यूज़ कर पाएंगे. तो नो डाउट कि एक अच्छा है. ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन के कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट तो होते हैं. प्राइवेटाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र के रोजगारों पे असर पड़ेगा. ठीक, जो भारत में बहुत बड़ी चाह है लोगों की, युवाओं की विशेष करके, हमें सरकारी नौकरी मिले, तो उसमें सरकारी नौकरी के अवसर कम होंगे. ठीक, दूसरा ये है कि भाई मार्केट बढ़ेगा, जिससे तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा. लेकिन अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म उसी हिसाब से सरकार ने मजबूत नहीं बनाए
विनियामकी तंत्र अगर सरकार ने मजबूत नहीं बनाया तो निश्चित रूप से निजी क्षेत्र उपभोक्ता हितों का और का भी हनन कर सकता है, उपभोक्ता हितों को भी साइडलाइन कर सकता है, तिरोहित कर सकता है और साथ ही मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो सरकार का मोनेटाइजेशन स्कीम तब सक्सेसफुल माना जाएगा जब जो मोनेटाइजेशन से रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं इनको सोशल इक्विटी लाने के लिए, सामाजिक समता लाने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के विकास के लिए और आपके महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए और जनजातियों के विकास के लिए भी सरकार खर्च करती है, जिनको अभी तक हाशिए पर जो जनमानस पड़ा हुआ है उसको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अगर सरकार खर्च करती है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। सो दीज वे आर द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, अतीत से लेकर वर्तमान तक आज तक जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ है, जो चरण हुए, वो सारी जानकारी अब आपके पास है और इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके और क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर उसको शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।